So hi everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Dr. Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. आज बहुत ही ज़्यादा important चीज़ के बारे में यार हम लोग बात करने वाले हैं और वो ये है कि there are a lot of videos which are roaming on YouTube stating that the paper of NEET 2022 would be out of NCERT just because there are some things which are mentioned in the syllabus of NEET 2022 जो ये state कर रहे हैं कि paper बाहर से आएगा. But let's dig down into the brochure, let's take those things out and let's talk about whether the paper is really going to be NCERT based or not. तो चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. So please make sure आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो ना आपका बहुत टाइम बचाने वाली है. Because I will be like truly transparent in stating these things और ये चीजें एकदम करेक्ट होंगी तो आप बेझिझक अपनी तैयारी कर सकते हैं. यार ये जो सिलेबस है नीट का, यहाँ पर दो जगह पे चीजें मेंशन है टू बी डेल्ट विद द रेलेवेंट प्रैक्टिकल ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस. और ये जो प्रैक्टिकल की बुक आती है इसे हम कहते हैं लैब मैनुअल, ठीक है, जो आपके स्कूल में लगती भी होगी. और ये जो लैब मैनुअल है मेरे दोस्त, ये आपकी एनसीईआरटी ही पब्लिश करती है, राइट. सो एनसीईआरटी की जो लैब मैनुअल है इसमें कहा गया है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देर आर सम टॉपिक्स विच आर गिवन, जिसको आपको करना पड़ेगा, उसको अगर आप नहीं करोगे तो वहां से क्वेश्चन आएगा और वहां से क्वेश्चन आएगा तो आप अल्टीमेटली उन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे एंड यू विल बी इन लॉस. नाउ ये जान लेते हैं कि यार इसमें टॉपिक आखिर है कौन सा जो कि हमारे सिलेबस में आने वाला है. और अगर वो एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है तो आपको उसे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और अगर वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए. सिंपल सी बात है, यही तो लिखा गया है ना सिलेबस में कि अलग से आपको प्रैक्टिकल पढ़ना है. लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस तब है जब वो चीजें कुछ नहीं हो. अगर पहले से आपको पता है सब कुछ तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. तो एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ये बात लिखी हुई है, दूसरा आपका लिखी हुई है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर सेम बात लिखी हुई है कि इसके प्रैक्टिकल एक बार जरूर देख लेना. अब देखते हैं यार प्रैक्टिकल में क्या है. अगर आप लैब मैनुअल सर्च करोगे डायरेक्टली एनसीईआरटी की, देन यू विल बी गेटिंग ऑल दोस पीडीएफ. और पीडीएफ में साफ साफ लिखा हुआ है, देखो यार, स्टडी द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. क्या हम रूट की मॉडिफिकेशन नहीं जानते एनसीईआरटी से? बिल्कुल जानते हैं, सारे के सारे एग्जांपल्स जानते हैं. कुछ अलग से एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको क्लियर करा दूंगा, बकायदा लैब मैनुअल खोल के ही क्लियर करा दूंगा, तो आपको अलग से इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है. क्या हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं. क्या हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं. क्या हम डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस नहीं जानते? नहीं जानते. अब यहां गलती मत करना दोस्त, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम नहीं जानते. ये मैं आपको कल एक अच्छा खासा वीडियो बना करके बता दूंगा. एनसीईआरटी से बाहर के जो टॉपिक हैं एक्स्ट्रा एनसीईआरटी सीरीज में आपका कंप्लीट हो जाएगा. कल या परसों में आपकी एक वीडियो ये वाली आ जाएगी. इनफ्लोरेसेंस जो बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप्स के हैं वो आपको यहां पर पता लग जाएंगे. उसके अलावा एक और टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स. ये भी आपके पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. यानी एक टॉपिक अभी तक हमारा ऐसा है जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो हमें जेन्युइनली थोड़ा सा अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा. स्टडी एंड डिस्क्राइबिंग द फैमिलीज सोलेनेसी, फैबेसी एंड लिलियसी. इसके अलावा बल्कि आपका एनसीईआरटी में ब्रैसिकेसी भी मेंशन है. हम लोग चार फैमिलीज के फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला और सारी की सारी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव डिटेल्स जानते हैं. ये भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. यानी इस पूरे के पूरे आर्टिकल में रेलेवेंट चीज क्या निकली, जो मुद्दा था वो क्या निकला? सिर्फ आपका इन्फ्लोरेसेंस और सिर्फ आपका फ्रूट. आप कह सकते हो कि भाई ये ऐसी चीज थी जो हमें थोड़ी डिटेल में पढ़नी थी, जिस पे एक 25 मिनट की वीडियो बन जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट की, और आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा. तो भ्रमित नहीं होना, आपको मोटी किताब, यार मेरे को पता है ऐसी वीडियो से थोड़ा इरिटेशन इसलिए होता है क्योंकि बच्चा ना इनसिक्योर है बहुत, राइट. जैसे आप लोग हैं, आप अब ये सोचने लग जाएंगे कि यार कहीं पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से बाहर आ गया तो लेट मी गेट अनदर बुक, बहुत बड़ी बुक मैं ले आता हूं, बहुत बल्की बुक मैं ले आता हूं, उसको पढ़ लेता हूं, जिससे यार ना मेरी 100% श्योरिटी हो जाए किससे पेपर आएगा. यार तुम एक 30 मिनट के टॉपिक के लिए जो मैं तुम्हें कल दे दूंगा उसके लिए तुम 10 गुना बड़ी किताब मत पढ़ो, एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ो. मैं अभी भी अपनी बात पे स्टैंड करता हूं और मैं तुम्हें पेपर में दिखा दूंगा, पेपर वुड बी एनसीईआरटी बेस्ड. एक टॉपिक इन्फ्लोरेसेंस है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, आई एम अश्योरिंग यू दैट. लेकिन तब भी हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं. स्टडी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन मेरी एक ट्रिक है, ट्रिक टू लर्न ह्यूमन स्केलेटन. सारी बातें मैंने पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ना आज क्लिक कर करके पूरी पीडीएफ पढ़ ली, यार कुछ भी नई बात नहीं, ठीक है. ह्यूमन स्केलेटन पे डायरेक्टली मेरी ट्रिक सर्च कर लेना, ट्रिक टू लर्न ऑल 206 बोन्स बाय ओजोन क्लासेस,
बाय ओजोन क्लासेस, ये वीडियो आपके यहीं पे क्रैक हो जाएगी। एंड देयर इज आल्सो अ ट्रिक टू लर्न द जॉइंट्स। क्या हमें एनसीईआरटी में जॉइंट्स नहीं पता? क्या हमें पाइवट जॉइंट नहीं पता? क्या हमें सैडल जॉइंट नहीं पता? क्या हमें हिंज जॉइंट नहीं पता? क्या हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं पता? सारे तो पता है यार, सारे के सारे पता है। और यहां पर अगर आप क्लिक करके देखोगे ना, एक भी नया जॉइंट, एक भी नया एग्जांपल आपका नहीं गिवन है। सो ये वाला चैप्टर तो पूरा का पूरा ही आप स्क्रैप कर लो, कि आपने जो पढ़ रखा है वही सारी चीजें हैं यहां पर। ये आपने पढ़ रखा है, 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 फिर भी थोड़ा इनके आर्टिकल की इज्जत करते हुए मैं मान सकता हूं कि चलो एक्सरसाइज 10 आपको दोबारा से एक बार हायर लेवल पे, क्योंकि इसमें साइमोस बता रखा है, रेसिमोस बता रखा है, उसके अलावा और भी बता रखे हैं, अंदर कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है, स्पेडिक्स है, अलग अलग टाइप की, तो इसमें आपको थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। तो ये दो आपको वीडियो मिल जाएंगे, इन्फ्लोरेसेंस की और फ्रूट की, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सी बात। तो भ्रमित मत, ठीक है? अभी थोड़ा सा ये चलेगा सिस्टम, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। कोई भी आपको कुछ बोले, वीडियो दिखा देना है, डायरेक्टली प्रूफ है। देखो सोचो कि आपको बोला गया कि बाहर के टॉपिक्स पढ़ो, कौन कौन से टॉपिक? ये टॉपिक, पर ये तो सारे एनसीईआरटी के ही हैं, बाहर का तो कुछ है ही नहीं, तो बाहर से क्या पढ़े, राइट? सो देयर इज नो इशू, एनसीईआरटी बेस्ड। और ये सारी जो पीडीएफ्स है ये आपको ब्रिलिक्स एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगी, मैं अपडेट कर दूंगा। और इसके अलावा मेरे जो नोट्स हैं वो भी रिलेटेड टू दीज हायर टॉपिक्स, वो भी मैं ब्रिलिक्स के ऊपर डाल दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा खुद का स्टूडेंट्स का एक सोशल मीडिया ब्रिलिक्स, इसे इंस्टॉल करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, 5-स्टार रेटिंग दे दें। यार आप लोगों ने अभी तक बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया है, वी हैव रीच अराउंड 20,000 इंस्टॉल्स, प्लीज मेक श्योर कि हम लोग बहुत जल्दी 50,000 इंस्टॉल्स तक पहुंचे, और मुझे जाकर वहां पर फॉलो कर लो। और मेरे सारे के सारे नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर मैं आपके एनसीईआरटी के जो लैब मैनुअल हैं इनको भी डलवा दूं, लैब मैनुअल्स को भी डलवा दूं, राइट, जिससे आप इन्हें लेवरेज कर पाए, और वो भी एकदम सिलेक्टेड टॉपिक्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही है, गुमराह नहीं होना दोस्त, एंड में कोई मोटी किताब मत उठा लेना। अगर आपको रिवीजन करना ही है तो हमारा ये स्टोर सेक्शन है ब्रिलिक्स की ऐप के अंदर, यहाँ ना मेरे हैंड रिटन नोट्स है, बायोलॉजी के और फिजिक्स और केमिस्ट्री की हैंडबुक्स है, वो ले लो, 100 पेज के अंदर पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। आखिरी 10 दिन में, आखिरी 5 दिन में रिविजन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी, पर कोई नई मोटी किताब मत पकड़ो और अपना दिमाग मत खराब करो इन सब चीजों में, बहुत लिमिटेड दिमाग है यार अपना, है ना, बहुत सॉर्टेड चीजों में लगाएंगे और एंड के टाइम पे भसड़ में नहीं फंसेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा व्यूज व्यूज चलेगा तो बच के रहना थोड़ा, बट आई विल बी ऑलवेज देयर टू कीप यू गाइज मोटिवेटेड एंड टू कीप यू गाइज क्लियर अबाउट पेपर कहां से आएगा। मैंने आपके सामने सारी चीजें प्रूफ करके बता दी है यार, सिलेबस का भी मैंने ऑथेंटिक सोर्स से उठा लिया और आपका डायरेक्ट ऑथेंटिक सोर्स से मैंने लैब मैनुअल के टाइटल्स भी उठा लिया और पढ़ भी लिया यार मैंने लैब मैनुअल को खोल के ना अच्छे से, 30-35 पेज की लैब मैनुअल है मॉर्फोलॉजी की और 7 पेज की है आपकी इसकी लोकोमोशन मूवमेंट की, कोई फायदा नहीं है पढ़ के, क्रक्स बता दूंगा, सिर्फ उतना पढ़ो एंड यू आर एग्जाम रेडी, ठीक है? चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम इन टॉपिक्स को ही कर लेंगे और भी एडिशनल टॉपिक्स मैं आपको करा दूंगा, ठीक है? चलो यार टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, और बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो, टेक केयर।